आप जानते हैं कि 1:30 बजे टॉस होता है, मतलब दोनों कप्तान जो हैं वो पिच की तरफ जा चुके हैं। रवि शास्त्री ने अभी अभी जो पिच रिपोर्ट की है, उन्होंने कहा कि कल विकेट वाइट थी, आज धूप से विकेट थोड़ा सा टैन हो गया। टैन हो गया यानी कि वो कह रहे हैं कि स्पिनर को जो है इस विकेट पे मदद मिलेगी, पर गेंद बल्ले पर आएगा। ये तो साफ था, इंडिया थोड़ा सा ड्राइश विकेट पे ही इनको खेलेगा, स्पिनर्स भी पिक्चर में आ गए। आप देखिए महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, केशव महाराज, लेकिन देखना होगा कि आज तवरेश शमसी को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। रबाडा और शमसी में से एक खेलेगा, रबाडा तो खेलेंगे। इंगिडी हो सकता है कि आज उनको थोड़ा वैसे, लेकिन उनका वेरिएशन बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है तवरेश शमसी का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है मिडिल ओवर्स में जो डालते हैं। आज कुलदीप यादव भी चाइना मैन इतना अच्छा कर रहे हैं, तो शमसी का हो सकता है आज एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलें अपना कप्तान साहब उनके। अच्छा रॉबिन, आप चूंकि इस मैदान में कोलकाता से बड़ा खेले हैं यार, ये रवि शास्त्री ने जो बोला है कि कल तो विकेट वाइट थी, आज विकेट को टैन हो गया धूप में, इसका मतलब जरा दर्शकों को समझाइए। शायद यहाँ पे विकेट उस पे ज्यादा घास नहीं है, तो जब धूप लगती है तो थोड़ा ड्राई सा हो जाता है, तो जब ड्राई हो जाता है तो थोड़ा स्पिन होने की संभावना है, पर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्पिन होगी, अच्छा पाटा विकेट होगा। क्योंकि डिपेंड करता कि रोल कैसे किए होंगे, अगर वहां पे रोल ज्यादा करते हैं तो फ्लैट हो जाता है, और ज्यादा रोल नहीं करेंगे तो शायद वो थोड़ा स्पिन होने लगती है बॉल पर। ज्यादातर अच्छी विकेट होनी चाहिए और मेरे हिसाब से बहुत रन बनेंगे इस विकेट पे, बहुत रन बनेंगे, और ये बहुत रन जो है वो साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में बना भी चुका है। अगर आप आंकड़ों पर भी नजर डालें तो अगर आप भारत और साउथ अफ्रीका दोनों की बैटिंग देखें, तकरीबन उतने ही रन भारत और साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं पर विकेट। गेंदबाजी में भारत को क्लियर एज है मदन जी, क्योंकि भारत ने छोटे टोटल्स में सामने वाली टीमों को आउट किया है। नहीं देखिए, यही एक बॉलिंग अटैक होता है जो आपको छोटे टोटल से मैच को जिता दे, इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग अटैक बिल्कुल सही चल रहा है, आपके 5 बॉलर जो आप खिला रहे हैं वो अच्छी गेंद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस इंडिया में आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो आपका बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि विकेट्स के बारे में हमें सबको मालूम है कि बैट्समैन रन बनाएंगे, पर छोटे टोटल जो आप बात कर रहे हैं, छोटे टोटल में कैसे जीतेंगे? जी इंडिया ने टॉस जीत लिया है, टॉस इंडिया ने जीत लिया है, अब वही बात है ना कि क्या इंडिया आज कहता है कि हम अपनी ताकत पे खेलेंगे, यानी कि चेस करेंगे, क्योंकि जैसे रॉबिन ने भी कहा, सुरेश ने भी कहा, ये विकेट शाम को और बेहतर हो जाती है, ड्यू भी गिरती है, या फिर भारत कहता है काम करते हैं साउथ अफ्रीका आप लोगों की कमजोरी। देखिए वही हुआ आज, इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है जी, तो इंडिया ने आज टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है, जो मैं कह रहा था। भारत ने आज ये कहा है कि एक काम करते हैं, हमारी ताकत तो है चेज करना और ड्यू में आसान भी होगा, लेकिन शायद वो साउथ अफ्रीका की वो जो कमजोरी है चेज करने की, आज भारत कहते हैं चलो अपनी ताकत को हम छोड़ देते हैं लेकिन तुम्हारी कमजोरी पर आज खेलते हैं। आपने विक्रम बाजी जिस तरीके से आप देखेंगे ईडन गार्डन में 5 बार जो मैच हुए वर्ल्ड कप में उसमें 4 बार टॉस जीत के बैटिंग की गई है जी। आप देखेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच हुआ था, बाद में स्पिन भी हो रहा था, तो रोहित का मुझे लगता है अच्छा डिसीजन है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो ताकत है उसको आज हमने थोड़ा टेस्ट किया है चेस करने में, बिल्कुल। तो कैसे टारगेट को चेस करते हैं, कैसे मिडिल ओवर में पार्टनरशिप करेंगे, यहाँ पे भी मोहम्मद शामी, बुमराह, सिराज, कुलदीप, जडेजा, उसके बाद विराट कोहली की भी आज गेंदबाजी देखने को मिलेगी, जैसे बीच में राहुल भाई ने बोला वो बहुत बड़ा टॉस जीता और अच्छा एक संकेत दिया है कि हम डोमिनेट करने को देख रहे हैं वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से पाजी ने बात करी कि बुमराह, शामी, सिराज की जो जोड़ी है, रात को जब लाइट होगी ना तो और मजा आएगा, स्विंग तो होगा क्योंकि पेस ज्यादा है और ऑफ द विकेट जो कट होता है ना उसमें तो शामी को महारत हासिल है। ये सेम टीम है जी भारत की, कोई 11 में बदलाव नहीं है एज एक्सपेक्टेड, हालांकि भारत ने जो पहले बैटिंग का फैसला किया है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला मैं एक पॉजिटिव सेंस में कहता हूँ कि भाई साउथ अफ्रीका भी ये सोच रहा होगा कि भारत तो चेज अच्छा करता है, लेकिन इससे जैसे सुरेश ने कहा 2 फायदे, अगर भारत बोर्ड पे रन लगाता है, शाम आपने देखिए जब फ्लड लाइट्स ऑन होते हैं वो 10-15 ओवर जी तेज गेंदबाजी कहर भर पाती है और भारत ने ये किया भी है, तो एक तो वो और दूसरा साउथ अफ्रीका चेज में फंस सकता है, फंसता भी है, वो नेदरलैंड से चेज नहीं कर पाए, पाकिस्तान से जो उन्होंने चेज किया वो बस एक विकेट से वो उस मुकाबले को जीता था। तो ये है खबर, इंडिया की टीम में बदलाव भी मदन जी कोई नहीं है। नहीं देखिए, बदलाव करने भी नहीं चाहिए, आपकी टीम सेट है, आपके जो बल्लेबाज जिनकी पोजीशन जिनको दी गई है वो वहाँ पे रन भी बना रहे हैं,
आपका बॉलिंग अटैक जो अच्छा, और इसके साथ साथ आपकी हर चीज जो है आपके हिसाब से चल रही है, तो चेंज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ सही डिसीजन है। और जो सुरेश रैना ने कहा टॉस का, मैं समझता हूँ कि टॉस भी भारत ने बहुत अच्छा जीता, क्योंकि देखिए हाई प्रेशर गेम जहाँ बड़ी बड़ी टीमें खेलती हैं, तो वहाँ बैटिंग पहले करना, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर डालना, वो बड़ा बड़ा जरूरी है। क्योंकि देखिए जब आप चेज कर रहे होते हैं हर विकेट पे, वो टोटल आपको बड़ा लगना शुरू होता है, भाई दो विकेट गिरे और ज्यादा बड़ा लगना है, उसको चेज करना बड़ा मुश्किल है, अनलेस कोई बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप हो जाए बैट्समैनों के बीच में, पर डेफिनेटली पॉजिटिव जी बिल्कुल। जैसे पाजी ने बोला, आप ये सोचिए 20-25 साल पहले जब हमारी गेंदबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, जब रोहित के पास ऐसी गेंदबाजी तो टॉस मैटर नहीं करता है, ड्यू मैटर नहीं करता है, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है वर्ल्ड क्रिकेट में कि हमारे पास ऐसे बॉलिंग अटैक है, आप जितना हम बनाएंगे ना उससे 50 रन पहले ही आउट कर देंगे। तो ये ऐसे वर्ल्ड कप में जब ऐसा कप्तान जब ऐसी सोच के साथ उतरता है ना, उनको पता है ऐसी गन बॉलिंग लाइनअप अभी तक के वर्ल्ड कप में किसी के पास नहीं हुई। कुलदीप जडेजा ऊपर जो तीन सीमर हैं, साउथ अफ्रीका को अटैक जब आएंगे खेलने तो उनके जहन में होगा कहीं जब सेमीफाइनल फाइनल होगा तो इंडिया टॉस हारे, टॉस पे मैच डिपेंड नहीं है इस वर्ल्ड कप में। मैं तो कहता हूं भारत ने दिखा दिया, आज वो टॉस को इक्वेशन से निकाल दिया, वो निकाल दिया बिल्कुल। जिसे शामी, सिराज और बुमराह, कुलदीप गेंदबाजी करें जडेजा के साथ, ये तो बहुत ही बड़ा मैसेज वर्ल्ड क्रिकेट में है कि वर्ल्ड कप 100 ओवर खेला जाता है, आप वो क्रिकेट में फोकस करो, ड्यू भी आएगी। कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने ड्यू में अच्छी गेंदबाजी करी, मैच जीता, इंग्लैंड दो खराब खेल रही है।